हेलो एवरीवन, आज हम नॉन लीनियर मेजरमेंट्स देखेंगे। अभी तक हमने देखा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड, फिर हमने देखा वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड, ठीक। अब हम नॉन लीनियर मेजरमेंट्स की बात करें। क्यों हम इसकी बात करेंगे कि जब हम पावर सिस्टम स्टेट एस्टिमेशन की बात करते हैं तो ये किस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, नॉन लीनियर मेजरमेंट मॉडल जैसा हो जाता है। तो इसका इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, ये इस तरह से किसी मॉडल से रिप्रेजेंट की जा सकती है। y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस आर। यहाँ एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ x है, नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है, m डायमेंशनल है, m डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। ये एम डायमेंशनल वेक्टर है जो कि क्या है, नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन के जैसे हम उसको अगर यदि कॉपी करते हैं, उसको मिमिक करते हैं, तो हम वाई कैप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। आर क्या है, आर प्रीवियस केस में हम देख चुके थे कि आर जो है वो नॉइजी वेक्टर है या फिर बोल सकते हैं एरर वेक्टर है, ठीक है। तो यदि हमारे पास में एक्स जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है, और जो कि कहां से निकल के आई है, y के डाटा से निकल के आई है, तो हम y estimated will be equal to h of x estimated इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहां से y error यदि मुझे निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हैं y error, previous case में हम already निकाल चुके हैं, यहां फिर से हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। y error will be equal to y minus, यहां क्या होगा, y minus y cap होता था, y cap क्या है, y cap हमारा है y minus h of x cap, ये क्या हो जाएगा, वाई एरर, ठीक है। अब वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में हमने एक्स निकालने के लिए इंडेक्स ऑफ एस्टिमेशन जे यूज किया था, जे यूज किया था वहां पे वेटेड लीस्ट स्क्वायर में, क्या था जब हमने जे फाइंड आउट किया था, तो जे क्या था वहां, जे विल जे था हमारा वाई एरर डैश इंटू डब्ल्यू इंटू वाई, ठीक। तो यहां पर भी हम इसको देखते हैं, यहां क्या हो जाएगा, j विल बी इक्वल टू y एरर की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, इसे मैं बोल देती हूँ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। 3 में यदि मैं 2 को सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, j विल बी इक्वल टू y एरर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, y माइनस एच ऑफ x एस्टिमेटेड माइनस सॉरी माइनस में इंटू डब्ल्यू, फिर वापस ये इसका डैश है और यहां पर एज इट इज यही कंपोनेंट आ जाता है एच ऑफ एक्स एस्टिमेटेड, ठीक है। दिस इज वाई एरर इंटू डब्ल्यू इंटू ये इसका डैश इंटू वाई एरर, ठीक है। इस तरह से हम एस्टिमेट करते थे डब्ल्यू एल एस ई में, वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में। हम जानते हैं उस समय पे तो जो जे को मिनिमम होने के लिए, एक्स पे जे को मिनिमम होने के लिए जो कंडीशन थी हमारी, नेसेसरी कंडीशन, वो यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, वो यहां पर हो जाएगी वाई माइनस एच ऑफ एक्स एस्टिमेटेड मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एक्स एस्टिमेटेड शुड इक्वल टू जीरो। यहां पर एच ऑफ एक्स एस्टिमेटेड क्या है, एच ऑफ एक्स एस्टिमेटेड जो है वो जेकोबियन है, जेकोबियन है किसका, जेकोबियन ऑफ एच ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू x एस्टिमेटेड, ठीक है, या फिर x एस्टिमेटेड वैल्यू पर जो एच ऑफ एक्स का जेकोबियन है वो आपका है कैपिटल एच ऑफ x एस्टिमेटेड, ठीक है। तो ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन आपकी आ रही है, तो यहाँ पर जो ये नॉन लीनियर आपका इक्वेशन आ रही है, तो इसको सॉल्व करना वैसे डिफिकल्ट हो जाता है। यदि आपके पास में कुछ प्रायर सॉल्यूशन हो या प्रायर एस्टिमेट हो तो उसके आधार पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। यदि आपके पास में कुछ एक्स नॉट वैल्यू आपको पहले से पता है, प्रायर एस्टिमेट है, यदि आपके पास में ये अवेलेबल है किसी मीन्स से लोड फ्लो यदि आपने निकाला है उसके कारण से आपको सॉल्यूशन मिला है और आपको इनिशियल वैल्यू ये पता है पावर सिस्टम में, तो आप सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, एच ऑफ एक्स जीरो टेलर सीरीज से, क्योंकि यहाँ क्या होती है इनिशियल वैल्यू प्लस एच ऑफ जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस आर, आर तो चला ही आएगा एरर वेक्टर है आपका, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, एच ऑफ जीरो क्या है, एच ऑफ जीरो आपका है जेकोबियन, ठीक है, एच ऑफ जीरो क्या है, जेकोबियन है जो कि x इक्वल्स टू x जीरो पे इवेल्युएट किया गया है,
यहाँ पे h0 क्या है, जेकोबियन है जो कि x इक्वल टू x0 पे इवेल्युएट किया गया है। r क्या है, r आपका नॉइस टर्म है जो चला आ रहा है, एरर वेक्टर या नॉइस वेक्टर जो है वो है, ठीक है। तो यदि इसको मैं सॉल्व करती हूँ, एक डेल्टा y यदि मैं बात करती हूँ डेल्टा y, तो इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको रिटर्न कर सकती हूँ, डेल्टा y इज इक्वल टू y माइनस h ऑफ x0 विच विल बी इक्वल टू h ऑफ 0 x माइनस x0 प्लस r। इसको मैं फर्दर बोल सकती हूँ, यहाँ x माइनस x0 को मैं क्या बोल सकती हूँ, डेल्टा x बोल सकती हूँ, इट इज डेल्टा x। तो डेल्टा y विल बी इक्वल टू y माइनस h ऑफ x0 विच विल बी इक्वल टू h0 डेल्टा x प्लस r। ये चेंज इन y निकल के आया है आपका, ठीक है, चेंज इन y, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ जो डेल्टा वाई है ये क्या है, परटर्ब्ड वैल्यू है, परटर्ब्ड वैल्यू ऑफ वाई है, और डेल्टा एक्स क्या है, वो परटर्ब्ड वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें यदि एक्स एस्टिमेटेड निकालना है, हम प्रीवियस केस में थोड़ा सा याद करते हैं, डब्ल्यू एल एस ए में क्या होता था, डब्ल्यू एल एस ए में यदि मुझे एक्स एस्टिमेटेड निकालना होता था, वो होता था मेरा एच डैश डब्ल्यू एच का इनवर्स एच डैश डब्ल्यू इंटू वाई, ये निकलता था। अब इसी को मैं रिलेट करते हुए इस नॉन लीनियर मेजरमेंट के लिए यदि मैं निकालती हूँ और मेरे पास में इनिशियल सॉल्यूशन कुछ अवेलेबल है, प्रायरी सॉल्यूशन मेरे पास एक्स नॉट अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे यदि मुझे निकालना है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, एक्स नॉट प्लस एच की जगह मैं लिख दूंगी क्या, एच जीरो डैश डब्ल्यू एच जीरो का इनवर्स इंटू एच जीरो डब्ल्यू, y की जगह क्या हो जाएगा मेरा, y की जगह हो जाएगा मेरा y माइनस h ऑफ x जीरो, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इस केस में नॉन लीनियर के केस में, ठीक। तो यहां आपका ये आ जाता है x एस्टिमेटेड, ये निकल के आता है x एस्टिमेटेड इन केस ऑफ नॉन लीनियर मेजरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, उसको एक तरह से हमने उसको लीनियराइज करने की कोशिश की है, ठीक है। प्रायरी एस्टिमेशन यदि मेरे पास एक्स नॉट अवेलेबल है तो उसके उसके बेसिस पे हमने उसको एज अ लीनियर जैसा ही उसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी एक्स नॉट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यदि एक्स नॉट की वैल्यू हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन के पास में है तब तो हमारा जो एस्टिमेट होके ये वैल्यू निकल के आती है वो सही है, सुटेबल वैल्यू है, यूजेबल वैल्यू है। लेकिन यदि x नॉट की वैल्यू ही आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन से काफी दूर है तो आपकी ये जो वैल्यू निकल के आती है ये यूजलेस रहेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको इसका सॉल्यूशन, इसका जो आप लगाते हैं इनिशियल गैस या इनिशियल सॉल्यूशन जो आप सेट करते हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर ये सॉल्यूशन आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि इसको इस प्रोसेस को लीनियराइज करना है, लीनियराइज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इटरेटिव मैनर में इस चीज को सॉल्व करेंगे, इटरेटिव मैनर में सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हमारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। तो लीनियराइज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अज्यूम करते हैं एक एक्स एल प्लस वन, ठीक है। एल प्लस वन में क्या बोल रही हूँ, मान लीजिए एलएफ इटरेशन में मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, अब उसको मैंने बोल दिया है कि वो यहां पर आ जाएगा, और अब मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, नेक्स्ट इटरेशन जो कि क्या है, एल प्लस वन इटरेशन। तो ये आ जाएगा एक्स एस्टिमेटेड एल प्लस वन इटरेशन विच विल बी इनिशियल वैल्यू, अब क्या अज्यूम कर रही हूँ मैं, यहाँ पर एक्स एल जो रहेगी वो मेरी इनिशियल वैल्यू जैसा काम करेगा, प्लस हमने पहले निकाला था के टाइम्स की ऑफ एल टाइम्स वाई माइनस, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इटरेटिव मैनर में, ठीक है। यहाँ पर केएल क्या है, केएल आपका ये पूरा है, इसको हम केएल बोल रहे थे लास्ट टाइम, यदि हम याद करते हैं तो एल यदि हम भूल जाते हैं तो ये क्या था, इतना टर्म को हम क्या बोल रहे थे, के बोल रहे थे। तो यहाँ हम चूंकि इटरेशन की बात कर रहे हैं, एलएथ इटरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए सभी के साथ में मैंने एल लगाया हुआ है, ठीक है। तो एलएथ इटरेशन में ये वैल्यू है तो एल प्लस वन के लिए क्या होगी, नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये एल प्लस वन वैल्यू यहाँ रहेगी, यहाँ सारी एल प्लस वन वैल्यू रहेगी, एंड एल प्लस टू हम कैलकुलेट करेंगे एक्स एस्टिमेटेड ऑफ एल प्लस टू। तो इस तरह से हम इटरेटिव मैनर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो केएल यहां पर क्या है, केएल विल बी इक्वल टू, केएल विल बी इक्वल टू एच एल डैश डब्ल्यू एच एल का इनवर्स एच एल डैश इंटू डब्ल्यू, ये आपका एल है, ठीक है।
यहाँ पर हम एच नॉट लिख रहे थे, लेकिन अब चूंकि हम इटरेशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम एल की टर्म्स में लिख रहे हैं, तो ये आपका केएल रहेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हमको कब तक सॉल्व करते जाना है, कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि एक्स एल प्लस वन माइनस एक्स एस्टिमेटेड एल, ये जो है हमने एक अमाउंट, एक एरर डिफाइन कर दिया एप्सिलॉन, जो कि काफी कम वैल्यू का हो, व्हेन इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर आ जाती है, तो वहां पर जाकर इसका मैग्नीट्यूड की बात करनी होगी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉड्यूलस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर तक आ जाती है, उससे कम हो जाती है एरर, इसको हम बोल रहे हैं एरर। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब आपके इटरेशन का जो एरर निकल के आ रहा है नेक्स्ट इटरेशन में और प्रेजेंट इटरेशन में, जो आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू में, वो आपका सफिशियंटली स्मॉल हो जाता है, तो हम उस इटरेटिव मैनर को प्रोसेस को हम वहीं स्टॉप कर सकते हैं। इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट, देन रीड डाटा, जो भी आपके पास में डाटा अवेलेबल है उससे आप क्या कह, वाई जो है आपका वो डाटा है। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक इनिशियल गैस भी आपको कहीं लोड फ्लो से या जो भी आपको इनिशियल गैस जो है आपको यदि पता है तो आप वो भी इंसर्ट करते हैं। वहां से आप क्या निकालते हैं, वाई एस्टिमेटेड एल निकाल लेते हैं, वाई माइनस एच ऑफ एक्स एस्टिमेटेड करके, उसके बाद में एच ऑफ एल, कैपिटल एच ऑफ एल आप एस्टिमेट करते हैं, कैपिटल एच ऑफ एल आने के बाद में आप के ऑफ एल एस्टिमेट करते हैं, ये के ऑफ एल है, इसे एस्टिमेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं और एक्स एस्टिमेटेड को अपडेट करते हैं, मतलब ये निकालते हैं। ठीक है, इसे निकालने के बाद में आप इसका डिफरेंस देखते हैं, एक्स ऑफ एक्स एस्टिमेशन ऑफ एल प्लस वन माइनस एक्स एस्टिमेशन ऑफ एक्स ऑफ एच ऑफ एल निकालने के बाद में आप के ऑफ एल फाइंड आउट करते हैं, के ऑफ एल फाइंड आउट करने के बाद में आप क्या फाइंड आउट करते हैं, अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स एस्टिमेटेड, या एक्स को एस्टिमेट करते हैं अगेन एल प्लस वन इटरेशन के लिए, तो उसे आप जब इवेल्युएट करते हैं नई वैल्यू को, और तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको एप्सिलॉन इवेल्युएट करना है, एप्सिलॉन इवेल्युएट करने के लिए आप दोनों इटरेशन की जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकल के आई है एक्स की, उनका डिफरेंस देखेंगे, यदि उनका डिफरेंस का मॉड्यूलस आपका लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर होता है, यदि ऐसा है तो आप प्रोसेस को वही रोक देते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो आप एल में इंक्रीमेंट करते हैं और अगेन वाई एस्टिमेटेड, वाई ऑफ एल एस्टिमेटेड इवेल्युएट करते हैं, एच ऑफ एल इवेल्युएट करते हैं, प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जबकि आपके एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू लेस देन अल्फा नहीं आ जाती, या हम बोल देते हैं इन दोनों इटरेशंस के जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उनका डिफरेंस जो है उसका मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं आ जाता, तब तक आप उसको इवेल्युएट करते जाते हैं।